भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया को बुरा तरीका से तीसरे ही दिन हरा दिया और उस कारण ऑस्ट्रेलिया ने जिस हिसाब से भारत को हराया उस हिसाब से पूरा WTC का पॉइंट टेबल में इतना बड़ा बदलाव आया, इतना बड़ा भूचाल आया कि दोस्तों आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। और किस तरह से इंडिया इस मैच को हारने के बावजूद WTC का फाइनल खेलेगा, तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। और आप भी चाहते हैं कि इंडिया इस WTC का फाइनल जो 7 जून को होने वाला, वो WTC का फाइनल इंडिया जीते, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल हयात क्रिकेट TV में। चलिए इस वीडियो में विस्तार से, आज खेले गए भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच में तीसरे ही दिन मैच समाप्त हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को मात्र 76 रन का लक्ष्य दिया था। इंडिया ने 75 रन बनाए थे और 76 रन का लक्ष्य दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने महज 1 विकेट का नुकसान पे 9 विकेट से ये मैच को जीत लिया और तीसरे ही दिन मैच खत्म करके ये एक इतिहास रच दिया। दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा कि इंडियन बैटिंग लाइनअप काफ़ी फ्लॉप चल रहे हैं और सिर्फ बॉलिंग पे दारोमदार है, जो कि ये बिल्कुल ही गलत है। अगर इंडिया को कभी भी मैच जीतना है तो बॉलिंग पे दारोमदार नहीं रखना होगा और बैटिंग को दिखाना होगा, क्योंकि हमेशा से हमारी टीम यानी टीम इंडिया हमेशा से अपने बैटिंग के लिए जानी जाती है, ना कि बॉलिंग के लिए। ठीक है, बॉलिंग अच्छा हो गया है तो और भी बेहतर है, लेकिन हमें बैटिंग से बढ़िया प्रदर्शन करना होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि पॉइंट टेबल का क्या समीकरण है और कैसे हमारा टीम इंडिया फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे। चलिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और देखिए इस वीडियो में बताते हैं आपको विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें 9वें नंबर पे बांग्लादेश की टीम है, 12 मैच में 1 जीत के साथ, 10 हार के साथ, 16 पॉइंट के साथ और 11.11 का परसेंटेज के साथ 9वें नंबर पे है। फिर बात करें दोस्तों 8वें नंबर का, तो 8वें नंबर पे न्यूजीलैंड का टीम है जो कि 11 मैच में 2 जीत और 6 हार के साथ, 36 पॉइंट के साथ, 27.27 का परसेंटेज के साथ 8वें नंबर पर है। वही बात करें दोस्तों 7वें नंबर का, तो वेस्ट इंडीज़ का टीम है, वेस्ट इंडीज़ का टीम 12 मैच में 4 जीत 6 हार के साथ 54 पॉइंट लेकर 37.5 पॉइंट का परसेंटेज के साथ 7वें नंबर पर है। वहीं बात करें दोस्तों 6वें नंबर पर, तो 6वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम है जो 14 मैच खेले हैं और 4 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं और 64 पॉइंट के साथ 38.1 परसेंटेज के साथ 6वें नंबर पे है। वहीं बात करें दोस्तों 5वें नंबर का, तो 5वें नंबर पे इंग्लैंड का टीम है जो कि 22 मैच खेले हैं और 10 जीते हैं, 8 हारे हैं और 124 पॉइंट के साथ 46.97 परसेंटेज के साथ ये 5वें नंबर पे है। साउथ अफ्रीका की टीम का बात करें दोस्तों, तो 14 मैचों में 7 जीत के साथ, 6 हार के साथ 88 पॉइंट है और 52.38 का परसेंटेज रेट से वो 4थे नंबर पे हैं। वहीं बात करें दोस्तों तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर पे श्रीलंकाई टीम है, 10 मैचों में 5 जीत के साथ, 4 हार के साथ 64 पॉइंट है, 53.33 का परसेंटेज रेट से तीसरे नंबर पे हैं। वहीं बात करें दोस्तों टॉप 2 टीम का जिसके बीच फाइनल खेला जाना है, तो वो टीम कोई और नहीं इंडिया है। इंडिया 17 मैचों में 10 जीत के साथ, 5 हार के साथ 123 पॉइंट है और 60.29 का परसेंटेज रेट के साथ दूसरे नंबर पे है। और ये सुन के आप लोगों को दोस्तों जाहिर सी बात है कि खुशी मिला होगा, क्योंकि जो टॉप 2 टीम होती हैं, मतलब ऊपर के जो 2 टीम होते हैं उसी के बीच कभी भी WTC का फाइनल खेला जाता है और इस लिहाज से अपना टीम इंडिया बेहतर लय में है और बेहतर पोजीशन पे है। तो उस प्रकार से हमें कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच फाइनल खेलते हुए नज़र आ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून को होने वाला फाइनल खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करें 1 टीम, तो कोई और नहीं वो ऑस्ट्रेलिया है, 18 मैचों में 11 जीत के साथ, मात्र 3 हार के साथ 148 पॉइंट है और 68.52 पॉइंट का परसेंटेज है, जो कि एक बेहतरीन परसेंटेज रेट है। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने पॉइंट टेबल समीकरण और आप बताइए दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया फाइनल खेलेगी या नहीं, इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक बात बता दें दोस्तों कि पॉइंट टेबल अभी भी क्वालिफाइड नहीं है, ओनली 1 ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई किया है, भारतीय टीम और श्रीलंका अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वालिफाइड का सबसे बड़ा ये रहेगा, इस सीरीज पे निर्भर करेगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इस जीत के साथ क्वालिफाई कर लिया है और भारत को क्वालिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं आने वाले सारे मैच जीतने होंगे, नहीं तो श्रीलंकाई टीम या साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय।